तरीके से कोई भी आपके पास पुराना सूट हो, कोई पुराना कुर्ता पड़ा हो, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू कर। 23 इंच मेरे पास आया है, 23 इंच। तो हमें करना क्या है, 6 इंच यहाँ से आपको यहाँ पे निशान लगाना है, 6 इंच, 6 इंच आपको लंबाई में निशान लगाना है और 6 इंच आपको यहाँ से निशान लगाना है। इस तरीके से तो ये मैंने 6x6 इंच का साइड में एक बॉक्स का निशान लगा लिया है। यहाँ से 6 इंच 6 इंच और यहाँ से 6 इंच, 6x6 इंच का मैंने ये ब्लॉक बना दिया। ऐसा ही ब्लॉक इस तरफ भी बनाना है हमें, 6 इंच। और यहाँ को भी 6 डार्क कर दिया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो सबसे पहले 23 इंच मैंने ये लिया, यहाँ से 6x6 इंच का एक इस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में बॉक्स का निशान लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमें ऊपर लेना है 6 इंच प्लस 6 इंच 12 प्लस 6 इंच 18। तो टोटल हमें कितना लेना है ऊपर, 18 इंच हमें ऊपर की तरफ जाना है, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 इंच। तो इस वाले निशान से 18 इंच पे ऊपर आपको निशान लगाना है सीधा स्ट्रेट। कितना लेना है, 6 1 फिर 6 2 फिर 6 इस तरीके से 6 6 और 6 ये हमने निशान लगा लिया। सेम जैसे यहाँ लगाया सेम इस तरफ से भी लगाना है ऐसे ही 18 इंच का। सिक्स और सिक्स इस तरीके से। अब इसे इसके साथ मिला दीजिए। ये मैंने इसे इसके साथ मिला दिया और ये जो 6 और 6 इंचेस के निशान है इसे भी मिला दीजिए। तो ये मेरा ड्राफ्ट बिल्कुल रेडी हो गया, इसे भी स्ट्रेट लाइन से मिला। तो ये मेरा ड्राफ्ट बिल्कुल रेडी हो गया, यहाँ से 6x6 इंच का ब्लॉक बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ से 6 फिर 6 पे निशान लगाया, फिर 6 पे, यहाँ से 6 इंच फिर 6 इंच और फिर 6 इंच, फिर ये वाले निशान मिला दिए और ये भी स्ट्रेट मिला दिया। ये हमारा बिल्कुल अब रेडी हो गया। अब बस हमें इसकी कटिंग करनी है, अब इसको कट कर लीजिए।
जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से कटिंग हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए हमें लाइनिंग चाहिए। तो अगर आपके पास आटा बैग है प्लास्टिक वाला, वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म शीट है तो फॉर्म शीट डाल के क्विल्ट कर लीजिए। अगर बुकरम है तो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, या राइस बैग है तो राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने कटिंग की थी उसके बीच में फॉर्म शीट डाल के मैंने सिलाई लगा ली है। कुर्ते का ऊपर वाला पोर्शन फ्रंट साइड है, ये कुर्ते की बैक साइड है, और इसके बीच में फॉर्म शीट। तो हमारे पास ये वन पीस बिल्कुल रेडी। इसकी स्ट्रैप बनाएंगे। हमारे पास ऊपर की तरफ से ये थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, थोड़ा सा ये साइडों से बचा हुआ है, इसी को काट के हम स्ट्रैप बनाएंगे इसके। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ स्ट्रैप के लिए। ये मैंने स्ट्रैप के लिए कट कर लिया, एक तरफ से अलग कर लेते हैं इसको इस तरीके से। तो ये मेरे पास स्ट्रैप के लिए कपड़ा आ गया। अब आपको करना क्या है, वन फोल्ड टू फोल्ड और ऐसे फोल्ड करके, और इस पर सिलाई लगा के स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। अगर आप इसके बीच में फॉर्म शीट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इस पर सिलाई लगा के इसे हमने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से जो बचा हुआ टुकड़ा था उसमें से स्ट्रैप रेडी हो गई। अब हमें आगे क्या करना है, पहले हम स्ट्रैप ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये स्ट्रैप ली, इसके सेंटर पर हमें इसको स्ट्रैप को यहाँ पर रखना है। इन दोनों का सेंटर लिया, स्ट्रैप को इस तरीके से आपको रखना है ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा इतना छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। एक पोर्शन इस तरफ रखना है आपको, दूसरा पोर्शन आपको इसका हाफ लेके यहाँ पे सेंटर में यहाँ रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों तरफ इस पर भी सिलाई लगा लीजिए और इस पर भी सिलाई ज्वाइन कर ली। एक स्ट्रैप को यहाँ सिलाई लगा लिया, पूरा सिलाई नहीं लगाया, यहाँ से छोड़ के सिलाई लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रैप यहाँ लगा ली। अब हम इसे आगे बनाते हैं। स्ट्रैप को अंदर की तरफ कर दीजिए इस तरीके से, इसे फोल्ड कीजिए ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और इसे फोल्ड कीजिए ऐसे इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ इस पर सिलाई मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। अब इसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमाना है, ये देखिए ऐसे है, अब इसे ऐसे घुमाना है एक और फोल्ड, और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। सेम उसी तरीके से इसे फिर एक और फोल्ड ऐसे घुमाना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ दोनों कॉर्नर्स पे इसके सिलाई लगा पे सिलाई लगा ली, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ये बॉक्स शेप में बन गया है बिल्कुल बैग, और यहाँ पे हमारा इसके ऊपर ये फ्लैप्स आ गया। तो अब हम इसमें ज़िप लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने ज़िप ली है, ये मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 25 इंच की, जो भी एक्स्ट्रा होगी हम कट कर लेंगे। अब ज़िप लगानी कैसे है, ज़िप लिया इस तरीके से, ज़िप है ये, इस ज़िप को आपको यहाँ पे रखना है इसके ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा आगे से स्पेस छोड़ते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरीके से, और इस पर पूरे राउंड में आपको सिलाई लगानी। फिर यहाँ से मोड़ते हुए इस